बुलंदशहर लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप, पीड़ित किसानों के साथ ग्रामीणों ने तहसील परिसर में किया प्रदर्शन। लेखपाल सिद्धार्थ और अन्य साथी पर लगा किसान से 1,80,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। आज रिश्वत की रकम वापसी के लिए आज आए थे पीड़ित। लेखपाल पर पीड़ित ने लगाया चांटा मारने का आरोप। जमीन की चकबंदी में राहत देने के एवज में ली रिश्वत। शिकारपुर तहसील के भीकमपुर गाँव का मामला। तहसील में बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए, क्या मामला हुआ? तहसील शिकारपुर पर, हमारा गांव भीकमपुर है, मेरा नाम सोमवीर सिंह है। हमारा गांव चकबंदी में चल रहा है। चकबंदी लेखपाल सिद्धार्थ जी और चिराग जी से ने हमारे चक के लिए 1,80,000 रुपये लिए थे और उन्हें लेने आए थे हम। उन्होंने कह दिया था देने को 2 बजे आज, तो आए लेने तो इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और ऊपर से धक्का मार दिया, कह दिया पैसे नहीं मिल रहे और गाल पर थप्पड़ मार दिया, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, काम कराना है तो करा लो, हम नहीं कर रहे काम। थप्पड़ मार दिया और जाति सूचक शब्द कहे। और आप पैसे के लिए कैसे प्रूफ करेंगे? आपके पैसे लिए पैसे हमने पे फोन से पैसे दिए, उसका हम पे प्रूफ है और लिखित में है, सबूत साक्ष्य सारे हैं हम पे। नकद भी दें और नकद भी दिए, डीलर साहब के पास दिए 50,000, डीलर साहब दिखा गए कमरा पे दिए थे। पापा जी ने 30,000 रुपये कार में दिए थे, सिद्धार्थ लेखपाल को मंदिर सैदगढ़ी कार में, दोनों मौजूद है उन्हीं की खुद की गाड़ी में। और अभी आप लोगों ने प्रार्थना पत्र लिखा है, किसको दिया है? अब ये थाना शिकारपुर को दिए, 112 पे कॉल की थी, जो हमारे साथ मारपीट की है इन्होंने, वहाँ से मारपीट की और थप्पड़ मारा और धक्का मार दिया चिराग जी ने, चिराग और सिद्धार्थ लेखपाल। फिर जब 112 पुलिस आई तो फिर यहाँ से चले गए, भाग गए यहाँ से। यह तो हमारे 1,80,000 रुपये मिल जाने चाहिए, नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे हम तहसील से, तहसील में रहेंगे चाहे रात हो जाए, धंधे पे बैठेंगे हम। क्योंकि उन्हें 6-1 साल से मैंने इनसे 1,00,000 रुपये लेकर 3% की ब्याज भर रहा हूँ और इन्होंने पैसे नहीं ले रहे मेरे। न्याय की गुहार किससे लगाएंगे आप? हम SDM साहब को भी ज्ञापन देंगे और DM साहब को भी देंगे, SSP साहब को भी देंगे आप, और सबसे हम गुहार लगाएंगे न्याय की। मान्य योगी तक भी हम ज्ञापन देंगे, चाहे हमें लखनऊ जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेगा। जो भी न्याय होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गाँव में भ्रष्टाचार ज्यादा ही फैला रखा है इन्होंने। सबसे किसी से 1,00,000, किसी से 2,00,000, किसी से 3,00,000, ऐसे काफी सबूत हैं जो मैं जुटाऊंगा। और लोगों ने के चक में जमीन फर्ज नाप रखी है सर, दो दो तीन तीन बीघा, और चकों की जांच कर ली जाए मौके पर।